Hi guys, welcome to my new vlog. I hope you all are doing good today. Go out. बस अभी विंटर को नहलाया मैंने. Good boy. हाँ पानी. लोगों ने. और I think इसके बाद मुझे एक बार और नहलाना पड़ेगा. फिर ठंड आ जाएगी तो हर every 3 months I'll give him a bath. गर्मी में तो महीने में 2 बार ही नहलाना पड़ता है क्योंकि आफ्टर एवरी 1 month वी हैव टू पुट दैट एंटी टिक मेडिसिन ऑन हिम. किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट्स में कि ब्लोअर का ब्रांड कौन सा है जो मैं विंटर पर यूज़ करता हूँ, तो यार ये एकदम लोकल ब्लोअर हमारे पास जो हम बचपन में जिससे खेलते थे ना वही ब्लोअर है ये. और इसको नॉर्मली मुझे पता नहीं क्यों पड़ा है हमारे पास हमेशा बचपन में 2-3 एक दो ब्लोअर्स होते थे जो हमारी टूल किट थी ना उसमें ड्रिल ब्लोअर, तो ये वही वाला ब्लोअर है जो अभी मेरे काम आ रहा है. और इसका थ्रो अच्छा है, विंटर भी कंफर्टेबल है उसके साथ, तो मैं ये यूज़ करता हूँ. तो ब्रांड का मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट हाँ ये सुखा देता है अच्छे से विंटर को, मतलब सेमी सुखा देता है. उसके बाद फिर हम पार्क में जाके खेलता है थोड़ी देर और फिर बाकी. और फिर ऑब्वियसली मेरे बेड पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे रेंगता है, पूरा पोच के एक चद्दर मेरी गीली हो जाती है, देन उसको मैं सुखाने डाल देता हूँ. सो या दैट्स द प्रोसेस. अभी आ गए हम पार्क में खेलने. विंटर ने एक नया ह्यूमन फ्रेंड बनाया. अभी धीरे धीरे मौसम बेटर हो रहा है. मुझे याद है गर्मियों में एक टाइम पे 44 डिग्री तक गया था, 44-45 तक. और इस समय आज जब मैं आप में डब कर रहा हूँ आज टेम्परेचर है 26 डिग्रीज, तो बाहर जाके भी अच्छा लग रहा है बहुत. मेरे ख्याल से अक्टूबर में थोड़ी वापस गर्मी आती है, फिर नवंबर से ठंड शुरू होगी. देखते हैं कैसा चलता है, अभी तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है क्योंकि विंटर का फर ना इतना ज़्यादा भी मोटा नहीं है. मैं बाकी हस्कीज देख रहा था ना तो उनके फर बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो इसका लकीली हल्का सा थिन फर है, डबल कोट है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा भारी नहीं है उसका कोट. नहलाने के बाद मस्त खेला इसने और ड्राई हो गया. और मम्मी और पापा निकल रहे हैं मुंबई के लिए. मम्मी अभी ठीक है, मम्मी वॉज वेरी सैड कीचू के जाने के बाद, तो नाउ शी इज़ फीलिंग बेटर. भैया भाभी की सुबह बिल्कुल 3 बजे की थी फ्लाइट, तो हम लोग तो रात को छोड़ के आ गए थे उनको, है ना, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा. तो उसके नेक्स्ट डे ही 3 बजे के आसपास ये लोग मम्मी पापा मुंबई के लिए निकल गए. मुंबई में हमें जो हमारा 10th फ्लोर पर स्टूडियो है उसको पूरा खाली करवाना है, तो वहाँ पर पिछली बार तो लेबर नहीं थे तो आपने देखा होगा मैंने और पापा ने खोला था, तो इस बार उससे भी बड़ा स्टूडियो है. तो मैं नहीं जा रहा बिकॉज़ विंटर को फिर हम ट्रैवल नहीं कर सकते उसके साथ और विंटर को ना ही यहाँ छोड़ सकते हैं. तो वहाँ पे जाएंगे, 5 दिन का लेबर का काम है. पापा को वहाँ पे भी लेबर मिल गया और यहाँ से भी हम अपना कारपेंटर लेके जा रहे हैं टू बी ऑन सेफर साइड ताकि स्टूडियो आसानी से खुल जाए. तो उसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा आगे जाके क्या हुआ कैसे हुआ. बारिश थोड़ी थम गई थी तो अब MCD का भी काम थोड़ा बहुत चालू हुआ है.
ये लोग हमारी बैक वाली गली साफ कर रहे हैं। और अभी ये देखो विंटर बैठा हुआ गेट पे देखता रहता है भाई सफाई हो रही है। और बेस्ट पार्ट पता क्या है, ये लोग जब आते हैं ना अब वो ना हमेशा खटका देते हैं कि साहब जी हम सफाई कर रहे हैं आप फोटो खींच लो। उनको हमारे ब्लॉग के बारे में नहीं बताया लेकिन उनकी फ़ोटोज़ जो है ना वो हम हायर अथॉरिटीज़ को पापा भेजते हैं तो उनको अपडेट मिलता है कि अच्छा आज काम हुआ है यहाँ पे। बाकी हम कैमरे से शूट करके ब्लॉग में भी दिखाते हैं कि भाई ये सब चल रहा है। और जितनी नीली इसकी शर्ट लग रही है ना उतनी एक्चुअल में है नहीं, मैंने ग्रेडिंग में उसको और इन्हेंस करके नीला कर दिया। बाकी मेन कचरा आप देख रहे हो ये पत्तों का ही है, प्लास्टिक व्लास्टिक तो एटलीस्ट गली में बहुत कम हो गया, मतलब 10% ही रह गया। और ये पत्ते इनकी खाद बना लेते हैं लोग, यूज़ हो जाती है। अब सिंस मम्मी पापा का रूम खाली हो गया है तो मैं विंटर को ना परमिशन दे देता हूँ कि अब तू बेड पे चढ़ सकता है, तो बेड पे चढ़ के वो ऐसे हमारा टेरिटरी पे फाइट होती है। तो इस पे क्या करना होता है कि अभी ना मैं इसके बैक से अटैक करता हूँ, ठीक है। देखो ये कभी भी अपना बैक नहीं शो करेगा तो मुझे इसको पकड़ के एक बार ही गिरा देना है और ये वापस उठना पड़ेगा, जैसे WWF में नहीं होता था 1 2 3 कर देते नीचे गिरा के। एक बारी मैंने कर दिया अगर तो फिर आई विल विन। अभी मेरे राइट हाथ में ना इंजरी हो रखी है, धीरे धीरे बेटर हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा आई एम नॉट गोइंग वेरी फुल विद हिम। इतनी देर में उसको गिरा चुका था, इन्हें गिरा दिया। चलो गाइस फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं, गुड नाइट।